I just write the name. Then I want a formula from your side. Sodium nitrate. Raise your hand and then you will speak. This is bete NaNO3. Remember the cationic radical come from the base and anionic from the acid. Negative wala किससे आता है एसिड से और पॉजिटिव वाला किससे आता है बेस. इसे कहेंगे बेसिक रेडिकल, इसे बोलेंगे एसिडिक रेडिकल. तो अगर मैं इसका बेस बनाऊं तो क्या बनेगा NaOH, अगर एसिड बनाऊं तो क्या बनेगा HNO3. तो दीज बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, सो द पीएच विल बी न्यूट्रल. Like, write example of sodium carbonate now. Sodium carbonate. So, sodium is coming from again NaOH. And the acid from which the carbonate is coming, it is carbonic acid. So, carbonic acid is a weak acid. And NaOH is a strong base. The salt will be basic. Ninth में क्या करके आए हैं बेटे हम? Sodium की valency positive 3, carbonate की 2 negative. You are aware about the valencies, all of you sitting here. बेटे एग्जाम में आपको कोई फॉर्मूला राइटिंग नहीं करके देगा, माइंड इट. मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही समझाया था, जिन्होंने अभी तक फॉर्मूला लिखना सीखा नहीं है ना, वो सीख लो. एग्जाम में सिर्फ दे विल राइट अब मेटल इज रिएक्टेड विद दिस एंड दिस काइंड ऑफ सॉल्ट इज फॉर्मिंग द फॉर्मूला यू मस्ट अवेयर ऑफ. Will do, मुझे लगता है will do. Like write down बेटे sodium acetate. This is sodium acetate. When we write the salt from an organic acid, जो cationic portion है बेटे वो पीछे आता है देखो. Otherwise जितने भी आप salt लिखते हो तो positive CH3CO. It comes from acidic acid, ethanoic acid. This is a carboxylic acid group you will do in higher standard again. It is an organic moiety. Theek? Functional group kehte hain organic mein isko. Carboxylic group. Jab COOH laga hota hai piche. Theek? Ye ek organic acid kaha jata hai inko. Jo organic acid hain. Carboxylic acids hain ye. Ye sirf ek hi acid kar rahe ho. लाइक ये इथेनोइक है, प्रोपेनोइक है, ब्यूटेनोइक है, बहुत करोगे आप. तो ये एक इथेनोइक एसिड है जिसे हम एसिडिक एसिड भी कहते हैं. जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट बनाते हैं तो बेटे इसके पीछे पॉजिटिव वाला आता है. कभी भी आप कोई भी सॉल्ट लिखते हो तो कैटाइनिक मॉइटी आपकी हमेशा आगे होती है. जैसे NaCl, तो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है ना. Na2SO4, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव है. ठीक है, पॉजिटिव मॉइटी आगे है, नेगेटिव मॉइटी पीछे होती है. मगर जब आप ऑर्गेनिक के सॉल्ट लिखते हो तो पॉजिटिव चीज पीछे आती है. ठीक, सो इट इज सोडियम एसीटेट. सॉल्ट नेम इज सोडियम एसीटेट. दिस एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, एसिडिक एसिड. इट इज अ वीक एसिड. अब ये सॉल्ट बना किससे है, एसिडिक एसिड और NaOH. तो आपको पता है कि NaOH अगेन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड. तो दिस सॉल्ट विल बी बेसिक. राइट डाउन द अदर सॉल्ट. राइट डाउन जिंक सल्फेट.
राइट डाउन एंड टेल मी कहां से आया ये. एंड नेक्स्ट और सॉल्ट आपकी बुक में गिवन है, यू विल डू योर सेल्फ. एंड नेक्स्ट डे ऑन फ्राइडे वी विल आई विल बी आस्किंग यू, आपने कैटेगराइज कर लिया, देयर इज अ टेबल, देयर इज एक्टिविटी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट गिवन है, उसको कैटेगराइज करना है आपने और उसमें से एग्जाम में आता है. तो लास्ट सॉल्ट आई एम टेकिंग फॉर यू इज जिंक सल्फेट. और जिंक हाइड्रोक्साइड. दिस इज जिंक सल्फेट. जिंक इज हैविंग वैलेंसी टू पॉजिटिव एंड सल्फेट इज टू नेगेटिव. ओके सो इट इज जिंक सल्फेट. नाउ द सॉल्ट विल बी फ्रॉम जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड इज किंग ऑफ केमिकल्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉट अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन येट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्गेस्ट बहुत करोगे आप, HClO4 बहुत ज्यादा करोगे, देयर विल बी अ पिक्रिक एसिड ऑल्सो. तो दिस इज फ्रॉम मिनरल एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग, मगर एक्वारीजिया बना देते हो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, एक वीक बेस है. तो सॉल्ट विल बी नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्ट. सॉल्ट आपके सिलेबस में NaCl पहले था, अब नहीं है. NaCl आपको पता है कि यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम द सी एंड ऑल. ठीक, अब उस NaCl सी जो फर्स्ट प्रेपरेशन आपकी सिलेबस में है वो NaOH की है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक, फ्रॉम दिस NaCl यू विल बी गोइंग टू प्रिपेयर NaOH, दैट इज सोडियम क्लोराइड से हम हाउ वी विल बी रीचिंग टुवर्ड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक, for doing this we will take NaCl which is dissolved in water. ठीक, will not take a complete NaCl. नमक को लोगे आप, NaCl को लोगे आप, water में dissolve कर दोगे और इस solution को कहा जाता है ब्रिन. solution is known as ब्रिन. जब NaCl को हम water में dissolve करके अब उसको लेके आप इसकी करवाओगे इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक, सो यू विल कंडक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस एंड द प्रोसेस यू विल नेम एज क्लोर अल्कली. नाउ हियर आई वांट टू टेल यू व्हाट आर अल्कलीज. द बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज अल्कलीज. All the bases are not soluble in water. The bases which are soluble in water, like NaOH is soluble in water, that is an alkali. ठीक, and they are strong. आप periodic table करोगे, 10th में ही करोगे. जो first, this first, see the first group if it is visible to you everyone. This is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. These are known as alkali metals. The second group is known as alkaline earth metals. ठीक, so we'll doing group wise. ठीक है, तो ये एक strong basis बनाते हैं and basicity increases down the group. ये groups होते हैं, ये जो आप 18 देख रहे हो these are groups. जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देख रहे हो these are peers. ऐसे peers हैं, ऐसे जो देखो गिनो तो 18 है total. ठीक है, और वो जो नीचे दो नजर आ रहे हैं ना, नीचे दो जिसको F ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिखा हुआ है, वो 6th और 7th पीरियड में से ही नीचे आते हैं, लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद, LA और AC के बाद. आपको LA नजर आ रहा है 6th पीरियड में 3rd पोजीशन पे है, दैट इज अ लैंथेनम.
लैंथियम से नीचे आके एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है सीरियम से, सीई इज सीरियम, ठीक है। ये सारे आप विल डू द प्रोडक्ट टेबल, बट दैट मच प्रोडक्ट टेबल इज नॉट इन योर सिलेबस, विल बी एम्फसाइजिंग ऑन एस एंड पी। टोटल देयर आर 126। अभी और भी आ रहे हैं, नहीं है 126 पहुंच गए। चलो अब आ जाओ इधर, इधर आ जाए हम अपनी अल्कलीज पे, एंड वी हैव टू प्रिपेयर NaOH, एंड इन दिस प्रोसेस यू विल गेट क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड NaOH। एज यू आर गेटिंग क्लोरीन एंड NaOH, दैट इज वाटर सॉल्युबल, द प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर अल्कली। ये जो करने जा रहे हैं हम NaOH प्रिपेयर करने जा रहे हैं ना NaCl और वाटर से, इस पूरे प्रोसेस को क्लोर अल्कली कहा जाता है, क्योंकि एंड में एक अल्कली मिलता है, एक क्लोरीन मिलता है, ठीक है। अब आपने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है बेटे, तो लेट मी टेक इज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। और मैं इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा दूं। यहां पे मैंने ब्रिन ले ली, आई हैव टेकन NaCl डिसॉल्व इन वाटर। अब जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो, द पॉजिटिव इज एनोड and the negative is cathode, ठीक। अब आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, वाटर भी तो टूटेगा ही, अगर NaOH टूटेगा तो सॉल्टी वाटर डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर भी आयोनाइज होगा, तो यू विल गेट द आयोनाइज कैटाइन्स Na पॉजिटिव और जो है H पॉजिटिव, दो कैटाइन्स मिले आपको, मिले। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, लाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ना, ठीक है। अब ये सारी इलेक्ट्रोलाइट्स है, मैंने आपको पहले बताया, चाहे वो एसिड है, चाहे वो बेस है, चाहे वो सॉल्ट है, सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्योंकि उनके आयंस माइग्रेट करते हैं, कैटायन कैथोड की तरफ, एनायंस एनोड की तरफ, ठीक। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आयंस की तरफ, वो जो वायर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। दे आर इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक, दे आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड दे आर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब सोडियम और एच पॉजिटिव दो कैटाइन मिलेंगे, कैसे, NaOH भी टूटेगा, Na पॉजिटिव एंड COH नेगेटिव में, और वाटर भी टूटेगा बेटे एच पॉजिटिव और सॉरी एंड OH नेगेटिव में, ठीक है। ये दोनों टूट गए, अब इसमें से दो कैटाइन मिले, दैट इज Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। अब इसमें से एनायन भी मिले, दैट इज Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव मिले। अब कैटाइन किस तरफ जाएंगे बेटे, कैथोड की तरफ, एनायन किस तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ। वन थिंग, डिस्चार्ज पोटेंशियल यू विल डू इन द हाइएस्ट स्टैंडर्ड। अब ये समझो अभी तक कि कैथोड पे जाके क्या होती है बेटे, इट इज रिडक्शन। कैथोड पे जाके क्या होती है, रिडक्शन। एनोड पे जाके क्या होती है बेटे, ऑक्सीडेशन। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इन दोनों में से जो जाके रिड्यूस होगा वो एच प्लस है, एन ए पॉजिटिव नहीं होगा। द कंसेप्ट इज इन द 11th स्टैंडर्ड, दैट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो आपको बड़ी क्लासेस में समझाएंगे, ठीक है, क्यों होता है। तो एच प्लस जाके वहां पे रिड्यूस होगा, एन ए पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास कैथोड है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, वहां पे कैटाइन गए, यहाँ पे एच पॉजिटिव गया, नो डाउट एन ए पॉजिटिव भी जाता है, मगर वो जाके वहां पे रिड्यूस नहीं होता, वो सॉल्यूशन में ऐसे ही रह जाता है। अब रिडक्शन का मतलब है बेटे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच पॉजिटिव का मतलब है कि हाइड्रोजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इस टाइम, दिस इज अ प्रोटोन। हाइड्रोजन एटम होता क्या है, एक प्रोटोन एक इलेक्ट्रॉन। जब आप एच पॉजिटिव बोलते हो तो इसको हम प्रोटोन भी बोलते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन निकल निकल गया तो पॉजिटिव बचा गया, उसमें प्रोटोन ही बचा, ठीक है। अब ये एच पॉजिटिव जाके बेटे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वन एच पॉजिटिव विल गेन वन इलेक्ट्रॉन, एंड हम ये वाला ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। अब जो एलिमेंट्री स्टेट है हाइड्रोजन की, दैट इज नॉट एच, एलिमेंट्री स्टेट होती है बेटे जिसमें कोई एलिमेंट रहता है, वो अकेला एच की फॉर्म में नहीं रहता एटमॉस्फेयर में, वो किस फॉर्म में रहता है, H2 की फॉर्म में। अगर आपने शेल थ्योरी, बोहर शेल थ्योरी, बोहर मॉडल कर लिया, तो फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं अपने, तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसमें वन इलेक्ट्रॉन है। तो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कैसे करता है, ये H2 की फॉर्म में। अगर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो टू टू गेन करेंगे और टू एच डॉट बनेंगे, और ये दोनों कंबाइन हो गए, आपको H2 गैस मिलेगी, ठीक है। तो यू विल गेट हाइड्रोजन, कहाँ मिलेगी हमें हाइड्रोजन, केटाइन कहाँ गए हैं, कैथोड पे, कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, अब हाइड्रोजन मिलेगी, ठीक है। कैथोड से हमें यहाँ पे हाइड्रोजन निकलती नजर आएगी। मैं कंप्लीट करूं, लेट मी कंप्लीट इट, एनोड पे भी आते हैं बेटे, लेट मी कंप्लीट इट, ठीक है, लेट मी कंप्लीट इट। अब हम आते हैं एनोड के ऊपर। अब एनोड पे भी बेटे दो आयंस गए, हमें पता है दैट इज OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, बिकॉज बोथ आर नेगेटिवली चार्ज, बोथ विल मूव टुवर्ड्स एनोड, दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज, उसमें जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो सिर्फ Cl नेगेटिव की होगी, OH नेगेटिव की नहीं होगी, ठीक है। अब जो ये Cl नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बेटे, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये है कि क्लोरीन के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उससे एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है ना, यही मानोगे नेगेटिव चार्ज का मतलब, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आपको पता है ना ये। और जब कोई किसी की नेगेटिविटी अपने ऊपर लेगा तो उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्लोरीन ने इस टाइम Na से, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था, दैट इज वाई वो Cl नेगेटिव है, ठीक। वो जो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन से लिया हुआ था सोडियम से, वो लूज कर देगा, तभी तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो टू क्लोरीन विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स, इफ वन क्लोरीन विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, देन टू क्लोरीन विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस टू क्लोरीन रेडिकल, इसे रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक। दिस टू क्लोरीन रेडिकल्स विल कंबाइन टू फॉर्म क्लोरीन गैस। तो यहां पे क्या हुई एनोड पे जाके, ऑक्सीडेशन,
मैम आपकी आवाज काफी हो रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।